वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बताने जा रहे हैं आपको, जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ा है, कि आधार कार्ड को गवर्नमेंट ने जरूरी कर दिया है इनकम टैक्स ने कि वो पैन कार्ड के साथ लिंक होना अनिवार्य है, जिसके लिए लास्ट डेट 31 मार्च 2019 दी गई थी। अगर आपने अपना आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक नहीं किया है तो आप अब भी, आज भी और आने वाले कुछ दिनों तक इसे लिंक कर सकते हैं। यदि आपने लिंक नहीं किया आधार कार्ड से पैन कार्ड को, तो आप इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भर पाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक आधार कार्ड और पैन कार्ड को उससे लिंक नहीं किया है और आपको नहीं पता यह किस तरह से किया जाएगा, तो आज के वीडियो को पूरा देखें। इस वीडियो में हमने आपको पूरा बताया है कि आप किस किस स्टेप से कैसे कैसे आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक कर सकते हैं। दोस्तों ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जिस समय से, बहुत लंबे समय से पीछे से पैन कार्ड बनाए जा रहे हैं, जिनमें कुछ पैन कार्ड फर्जी बनाए गए हैं क्योंकि उस टाइम इतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, तो इसलिए उन पैन कार्ड्स को अभी आधार कार्ड से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है, ताकि जो फेक जितने भी पैन कार्ड थे उनका खुलासा हो सके और उनको वापस बंद किया जा सके। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको पूरा बताएंगे प्रोसेस, स्टेप बाय स्टेप, आपको आधार कार्ड से पैन कार्ड को किस तरह लिंक करना है। सबसे पहले दोस्तों आपको गूगल में जाके टाइप करना है ई फिलिंग। जैसे आप ई फिलिंग इसमें टाइप करके सर्च करेंगे, आपको एक सबसे पहला लिंक मिलेगा इनकम टैक्स इंडिया ई फिलिंग .gov.in का। जो लोग इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं वो भी यहीं से भरी जाती है इसी लिंक के ज़रिए। तो आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे, आप इस पर एक नया मैसेज देखेंगे, काइंडली अटेंशन टैक्स पेयर। इसके अंदर आपको बताया गया है कि कुछ इनकम टैक्स के नाम से कुछ लोगों के द्वारा इनकम टैक्स भरने के लिए रिफंड मैसेज डाला जा रहा है, किसी के मोबाइल के ऊपर भी डाला जा रहा है, तो किसी के मेल के ऊपर मेल की जा रही है कि आपका इनकम टैक्स ड्यू है इतने रुपए, आप उसको तुरंत पे कीजिए और आप ऑनलाइन पे कीजिए, और ऑनलाइन पे करते वक्त आपसे आपका पैन कार्ड वगैरह, क्रेडिट कार्ड नंबर और बैंक डिटेल्स ले ली जाती हैं और आप वहाँ से अपने पर्सनल डाटा को उनके साथ शेयर करते हैं, जो कि आपके लिए, इसलिए आप इस तरह की ईमेल्स वगैरह को और मैसेजेस को इग्नोर कीजिए। तो चलिए दोस्तों आपको बताते हैं आधार कार्ड को पैन कार्ड से किस तरह लिंक करना है। आपको यहाँ से क्लिक करना है कंटिन्यू टू होम पेज, या फिर इसको क्रॉस करके आप भी यहाँ से भी इसको क्रॉस कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ई फिलिंग एनी वेयर एनी टाइम की एक वेबसाइट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की है, इसके ऊपर आपको जाना है और आपको यहाँ पे क्विक लिंक्स के अंदर सबसे पहले मिलेगा लिंक आधार कार्ड। लिंक आधार के आप जैसे ही क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे डालना है पैन नंबर आपका, जो भी आपका पैन नंबर है वो, और यहाँ पे आपका आधार नंबर। इसके बाद आपका नेम एज पर आधार, आई हैव ओनली ईयर द बर्थ इन आधार कार्ड। कुछ लोगों के आधार कार्ड के अंदर सिर्फ और सिर्फ ईयर लिखा हुआ है, डेट ऑफ बर्थ पूरा नहीं लिखा है। सिर्फ उन्हीं लोगों को, उन्हीं साथियों को यहाँ पे क्लिक करना है जिनके आधार कार्ड के अंदर डेट ऑफ बर्थ पूरा लिखा है, DDMMYY फॉर्मेट के अंदर लिखा हुआ है, उनको इसके ऊपर क्लिक नहीं करना है। और आपको करना है आई एग्री वैलिडेट माई आधार डिटेल्स विद UIDI। यहाँ पे आपको एग्री करना है कि आप अपनी आधार डिटेल्स को UIDI से इनके पैन के साथ लिंक करने के लिए एग्री हैं। और यहाँ पे आपको एक इमेज दी गई है जिसमें आपको कैप्चा दिया गया है, आपको ये यहाँ पे इंटर करना है। और आपको यहाँ पे विजुअली चैलेंज यूजर यूज कैन बिलो OTP, अगर आपको OTP के द्वारा रिक्वेस्ट करना है तो आप यहाँ से रिक्वेस्ट OTP को क्लिक कीजिए। और आपको करना है लिंक आधार। आप जैसे लिंक आधार पे क्लिक करेंगे, आपके पास एक मैसेज आएगा, यूअर रिक्वेस्ट इज सबमिटेड, और बहुत जल्दी ही आपका आधार पैन से लिंक कर दिया जाएगा। उसको चेक करने के लिए भी यहाँ पे एक लिंक दिया गया है कि आपका आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक हुआ है या नहीं हुआ है। अब कुछ समय के बाद, 12 से 24 घंटे के बाद, आप यहाँ से क्लिक करके अपने आधार की रिक्वेस्ट को चेक कर सकते हैं, अपने पैन नंबर को डाल के और आधार नंबर को डाल के। आप यहाँ पे आपका पैन नंबर डालेंगे, यहाँ पे आपका आधार नंबर डालेंगे और व्यू लिंक आधार स्टेटस देखेंगे, तो आपको यहाँ पे दिखा दिया जाएगा कि आपका आधार कार्ड लिंक हो गया है या फिर कोई किसी प्रकार का कोई इश्यू क्रिएट हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो आप उसमें आपको उसका रीज़न बताया जाएगा, और आपका अगर हो गया है तो उसको यहाँ पे आपको सक्सेसफुल दिखा दिया जाएगा। तो दोस्तों आशा करते हैं आप इस वीडियो से में दी गई जानकारी को अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। अगर फिर भी आपको किसी तरह का कोई डाउट है तो आप प्लीज़ हमें कमेंट कीजिए। और हाँ दोस्तों, ध्यान रहे लास्ट डेट 31 मार्च थी, उसके बाद कुछ टाइम एक्सटेंशन के लिए दिया गया है, एक्सटेंड किया गया है। आपको जितना जल्दी हो सके आपको ये
आधार से पैन को लिंक करना है। और एक काम और करना है दोस्तों, आपको इस वीडियो को अपने सभी साथियों के साथ शेयर करना है, ताकि जिन साथियों के पास ये जानकारी अभी तक नहीं गई है उन तक ये जानकारी पहुंच सके। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब।